Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the concept of mass and mass culture. So let's begin. The first point is mass. What is mass? In mass communication, it refers to a large group or a large number of audience and listeners. इसका मतलब ये है कि मास शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी लार्ज ग्रुप या फिर बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोग जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस होती है, उनको हम मास बोलते हैं। कल्चर कल्चर इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल law, customs, and any other capabilities and habits acquired by men as a member of the society. Culture को इस तरीके से define किया गया है कि जिसमें हमको knowledge मिलता है, भरोसा मिलता है, कुछ morals मिलते हैं कि society में कैसे रहना होता है, कुछ आदतें मिलती है, तो उन सब को culture कहते हैं. The culture therefore means a glimpse of the way of living, thinking and acting of an anthropologist. Culture को इस तरीके से देखा गया है कि जैसे हमारे रहने का तौर तरीका, हमारे सोचने का तौर तरीका, हम किस तरीके से act करते हैं, उन सबको culture कहा गया है. What is mass culture? Mass culture क्या है? A set of cultural values and ideas that arises from common exposure of a population to the same cultural activities, communication, media, music and art, etc. मतलब कि अगर कुछ set of cultural values है, तो कुछ लोगों को देखकर कुछ नए लोग उन चीजों को अपनाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो cultural values को pass on किया है. Mass culture becomes possible only with modern communication and electronic. Mass culture कब possible है कि जब अगर आपके पास कोई modern communication की जो mediums होंगे, उससे आप दूसरों के culture को देख सकते हैं, वो transmit होते हैं. जैसे कि आप सोच लीजिए westernization है, तो आपने westernization अपनाया है क्योंकि social media के through आपको दूसरे के cultures पता चलते हैं, तो आप उनको accept कर लेते हैं. Mass culture tends to reproduce the liberal value of individualism and to foster a view of the citizen as a consumer. Mass culture क्या करता है? किसी के नए तौर तरीकों को reproduce करता है और दूसरों को बताता है और वो लोग अपने को चीजें अपनाते हैं और उनको हम कहते हैं as a consumer. And the rise of mass culture is related to the development of mass society and the advent of mass media. मतलब मास कल्चर का राइज कब होता है कि जब मास सोसाइटी में नई चीजों को अपन अपनाते हैं और वो नई चीजें हमको कहाँ से मिलती है, जब मास मीडिया उन मैसेजेस को अपने पास पहुंचाते हैं. व्हाट इज मास सोसाइटी? मास सोसाइटी क्या है? इट रेफर्स टू अ सोसाइटी विद अ मास कल्चर एंड लार्ज स्केल इम्पर्सनल सोशल इंस्टीट्यूशन. मास सोसाइटी यह है जिसमें बहुत सारे मास कल्चर्स होते हैं जो इम्पर्सनल होते हैं क्योंकि वो पर्सनल नहीं हो सकते हैं, और उसमें बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं. इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न सोसाइटी हैव लिवली प्राइमरी ग्रुप सोशल रिलेशनशिप्स. मतलब यहाँ तक कि सबसे जटिल और आधुनिक समाजों में भी जीवंत प्राथमिक समूह सामाजिक संबंध है. The modern network of transportation and communication is bringing various parts of mass society into frequent contacts. मतलब बहुत सारी modern network की वजह से, modern technology की वजह से, communication करने के तरीकों की वजह से, जो भी mass society है, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके cultures हैं, तो उन सबको एक साथ जोड़ता है, तो वो mass society के अंदर आता है. Thus, the mass society has aroused and enhanced individuality,
बाय लिबरेटिंग द कॉग्निटिव अप्रिशिएटिव एंड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इस प्रकार सामूहिक समाज जागृत हुआ है और व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रशंसिया और सामान्य क्षमताओं को मुक्त करके व्यक्तित्व को बढ़ाया है। मतलब जैसे मास सोसाइटी होती है तो मास कल्चर्स पता चलते हैं हमको, एक दूसरे के कल्चर्स पता चलते हैं, तो उससे हमको एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटीज, उनके कल्चर्स और पता चलते हैं। तो मतलब इंसान को पहचानने के और अच्छे तरीके हमको पता चलते हैं। दिस वे वी कैन सी दैट द लार्जर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैव लर्न टू वैल्यू द प्लेजर्स ऑफ आई, ईयर, टेस्ट एंड टच। इस तरह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या को बड़े तत्वों ने कान, आंख, स्वाद और स्पर्श के सुखों को महत्व देना सीख लिया है। बिकॉज ये सब चीज़ों की वजह से हमारा एंटरटेनमेंट होता है, एंड एंटरटेनमेंट के लिए हमारे कानों से सुनना ज़रूरी है, आंखों से देखना ज़रूरी है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम ये सब सारी चीज़ें करते हैं। So guys, that's it for the day, and thank you for watching my video. And if you like my video, then please do not forget to like and subscribe my channel. और आज की वीडियो में आपने मास क्या है और मास कल्चर को क्या कहते हैं और मास सोसाइटी क्या होती है आज के वीडियो में आपने पढ़ा है। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।